नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सफल किसान में। सफल किसान कार्यक्रम उन किसानों की गाथा लेकर आप तक पहुंचता है जो कि कृषि के क्षेत्र में नई नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, पारंपरिक तरीकों से हटकर कुछ नया अपना रहे हैं ताकि उनकी आय में वृद्धि हो। इन किसानों की मेहनत की वजह से ही हमारा कृषि का क्षेत्र और मजबूत हो रहा है और इसमें नए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं दो ऐसे ही सफल किसानों से जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखते हैं। ये किसान कुछ हटकर कर रहे हैं। जी हाँ, धान गेहूं की फसल ना लेकर वो ड्रैगन फ्रूट के साथ साथ हल्दी की खेती कर रहे हैं। तो चलिए रुक करते हैं कुशीनगर का। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर जिला यूं तो बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध के निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। यहाँ के किसान भगवान बुद्ध की प्रेरणा से निरंतर आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए रास्ता दिखाते रहते हैं। कुछ ऐसा ही किया है यहाँ के किसान लालजी कुशवाहा ने। इन्होंने परंपरागत गन्ना की खेती को छोड़कर ड्रैगन फ्रूट जैसे नाजुक फल की खेती को अपनाया और युवाओं को रोजगार का एक नया रास्ता दिखाते हुए उन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती से आज इनके जीवन में उजाला फैल रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में बताते हुए लालजी कुशवाहा कहते हैं, मैं घर पे बैठ करके मैं टीवी देख रहा था, उस पे डीडी किसान चैनल देखा तो मुझे यह सब दिखाई दिया और इस चैनल से मैंने देख करके कुछ खोज शुरू किया और पहले उसके बाद से अपने विभाग में गया कुशीनगर जो हमारा उद्यान विभाग है उसमें गया तो अधिकारियों से मैंने जानकारी ली और उसके बाद से इस पर मैंने अपना काम शुरू किया। तो पहले तो मैंने ला करके पौधा हमारे जिला अधिकारी महोदय के यहाँ ही उन्हीं के द्वारा ये पौधा हमने मंगाया। हमारे यहाँ पौधा उपलब्ध नहीं था तो ला करके थोड़े से खेत में पहले लगा करके ट्राई किया। उसके बाद से जब अपने यहाँ हमारे मानसून पर जब टेम्परेचर पर सक्सेस लगा तो मैंने इसको प्रचार अपने यहाँ किया और पहले साल कमी लगाया, दूसरे साल इसको बढ़ा करके आज समझिए कि 2 एकड़ तक मैंने इसको बढ़ा दिया है। ड्रैगन फ्रूट की खेती से लालजी को भरपूर फायदा हो रहा है, लेकिन इसकी खेती करना आसान नहीं है। ड्रैगन फ्रूट की खेती काफी खर्चीली होती है, इस कारण इसकी खेती के लिए किसानों को कई प्रकार की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिससे इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सके। एक साल में फल देने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती की तैयारी के बारे में लाल जी कहते हैं, यह पहले इसको हम पोल बनवाएंगे 5x5 का, हाइट इसका 7 फीट रहेगा और उसके बाद से पोल लगा करके इसको गड्ढा खोनेंगे 2 फीट इसको ज़मीन में लगाएंगे पोल को। उसके बाद से चारों तरफ की मिट्टी हटा करके गोबर की खाद कंपोस्ट खाद दे करके आप पानी चला देंगे, उसके बाद से उस पर पौधा लगाएंगे और पौधा को रस्सी से बांधते हुए ऊपर ले जाएंगे और ऊपर ले जा करके जब जाएगा पौधा तो ऊपर से जब थोड़ा सा लटकता है और उसका ग्रोथ जब रुकता है तो उसमें फल आ जाता है। इसका समय 1 साल का लगता है। हम जब पौधा लगाते हैं लगाते से समझिए कि फल देने का समय 1 साल का होता है, 1 साल में फल आ जाता है। फल यहाँ तो मैंने पहले साल दूसरे साल थोड़ा सा बेचने में दिक्कत हुआ लेकिन तीसरे साल से हमारा यही दरवाजे से बिकना शुरू हो गया क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। ड्रैगन फ्रूट के पौधों को लगाने के लिए पौध से पौध के बीच की दूरी 8 फीट और लाइन से लाइन की दूरी करीब 12 फीट होती है। इस पौधे को पूरी तरह से तैयार होने में 2 से 3 साल का समय लगता है। इस अवधि में इसके बीज सह फसली फसलों जैसे गोभी, धनिया, लहसुन, प्याज लगाकर अतिरिक्त आमदनी प्राप्त की जा सकती है। इसके पौधे में मई से लेकर अक्टूबर तक फल आते हैं। एक पौधे के पोल से 15 किलो तक फल आ जाते हैं। इसमें फल मई से लेकर के अक्टूबर तक इसमें आते हैं। मई महीने में इसमें जब फूल निकलना शुरू होता है तो सबसे बड़ी बात है इसमें थोड़ा सा
हम लोग पालिनेशन कराते हैं। पालिनेशन की वजह से फल की साइज थोड़ा बढ़ जा रही है और 100% फल जो फूल होता है वो फल में कन्वर्ट हो जाता है। और इसकी देख रेख कोई विशेष ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा फंगस लगते हैं तो फंगिसाइड वगैरह छिड़ दिया जाता है इस पर, और इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। और यह बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं है, यहीं से बिक जा रहा है। इसका फल लाल रंग का होता है और हमारे यहाँ तो 200 ग्राम से लेकर के और 600-700 ग्राम तक फल इसमें से हमने काटा है। इसके जो फल हैं वो 3 वैरायटी के होते हैं, एक पीला होता है, एक पिंक कलर होता है, एक लाल होता है। तो हमने अपने यहाँ रेड कलर ही चॉइस किया है, इसलिए खाने में थोड़ा मीठा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी बढ़िया है। लेकिन जो अगर कुछ किसान चाहें तो कोई भी अपना चॉइस कर सकते हैं। हमारे यहाँ 2 वैरायटी है, एक पिंक और लाल। हमारे यहाँ वाइट कलर और पीला कलर दोनों नहीं है, इसलिए यहाँ डिमांड इसकी ज़्यादा है। तो हम लोग डिमांड के अनुसार ही काम करते हैं, इसलिए हमको इससे इनकम लेना है, तो इसलिए हमने लाल की चॉइस किया है और पिंक। और हमारा ये 1 एकड़ का फार्म यहाँ है और इस टोटल इसमें 500 पोल है। एक बार में जैसे एक बार में हमको 2 क्विंटल 3 क्विंटल एक जैसे एक दिन गैप करके हम लोग इसे तोड़ते हैं। हम लोग एक पौधे से एक पोल से 15 केजी तक फल आ जाते हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए पहले साल ही इन्वेस्ट करना है, इसके बाद का खर्च न के बराबर है। ऐसे में बेरोजगार युवाओं के लिए ड्रैगन फ्रूट की खेती एक बेहतर विकल्प है। युवा ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए कृषि विज्ञान केंद्र व उद्यानिकी विभाग से संपर्क कर इसकी तकनीकी जानकारी प्राप्त कर आगे बढ़ सकते हैं। इस बारे में बता रहे हैं लालजी कुशवाहा। ये ड्रैगन फ्रूट जो है आपका लगाने के लिए आपको एक वर्ष पहले साल ही इसमें इन्वेस्ट है, खर्च है। उसके बाद से इसका खर्च आपके ना के बराबर होता है, केवल मेंटेनेंस खर्च करना पड़ता है। बीच बीच में अगर फसल भी कोई ले लेते हैं तो आपका खर्च इससे निकल जाता है। और ये ड्रैगन फ्रूट कटिंग में देखिए, काट करके इसका पौधा भी आप बना सकते हैं, पौधे से भी इनकम किया जा सकता है। इसमें देखिए, अगर युवा वर्ग पढ़े लिखे लोग हैं जो बेरोजगार हैं, अगर उनके पास खेती है तो इस खेत को करें तो नौकरी से बढ़िया इसमें बेनिफिट है। नौकरी से कमा सक उसके कई गुना इसमें लाभ कमा सकते हैं। यह इसमें लेकिन जानते हैं लोग खेती की तरफ आना नहीं चाहते हैं, तकनीकी जानकारी के अभाव में। अब लोग सोचते हैं कि हम कहाँ जाएं, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। अगर विभाग के पास लोग जाते हैं तो विभाग वाले खुद इसमें करने के लिए कैसे करेंगे, वो विभाग के पास जानकारी है, वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे और आपको सहयोग भी देंगे कि ऐसे आप करिए। आपके यहाँ जा कर के हमारे यहाँ जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, उनको जब मैं फ़ोन करता हूँ तो खुद आ कर के हमारा हमको लोग सजेशन देते हैं कि इसमें ये दवा लगाइए, ये खाद दीजिए। हमको विभाग से देखिए, गन्ना रिसर्च है, वहाँ से हमको टाइकोडर्मा और डिकम्पोजर भी हमको मिल गया गन्ना रिसर्च से। उसके वजह से हमने देखिए कंपोस्ट बना करके खुद गोबर की खाद इसमें दिया है। हम सोच रहे हैं कि इसको पूर्ण जैविक ही करें, जिससे लोगों का स्वास्थ्य भी बढ़िया हो और रेट भी मिले। ड्रैगन फ्रूट की खेती को कुशीनगर जैसे क्षेत्र में बढ़ाने में उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों का प्रयास सफल हो रहा है। कुशीनगर के जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार बताते हैं कि ड्रैगन फ्रूट की खेती में किसानों को पहले साल ही खर्चा आता है, लेकिन इसके बाद 25 साल तक इससे इनकम होती है, जिससे किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती को अपनाएं और समृद्ध हों। इस बारे में बता रहे हैं जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार। यहाँ पर ये ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। इस खेती के बारे में बता दें तो ये एक परमानेंट टाइप की खेती है, एकदम से टेक्निकल है और पहले वर्ष से इसमें थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से उतना हम इसका प्रचार इतना इसकी रकबा नहीं बढ़वा पा रहे हैं। लेकिन फिर भी हम ट्राई कर रहे हैं और जो भी कॉस्ट इसका पहले साल आता है ये दूसरे से तीसरे साल में निकल जाता है। उसके बाद
ये खेती लगभग इसकी 25 साल तक चलेगी, इसलिए जो जो भी लोग इसकी खेती करेंगे एक बार लगाने के बाद 25 साल तक लगातार इसकी इससे इनकम प्राप्त करते रहेंगे। मानव शरीर के स्वास्थ्य के लिए ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही लाभकारी फल है। आजकल इसकी मांग लगातार बढ़ रही है। करीब 25 साल तक फल देने वाले ड्रैगन फ्रूट की खेती में पहले साल ही पोल आदि लगाने में ज्यादा खर्च आता है। इसके बाद मामूली रखरखाव करते हुए किसान भाई ड्रैगन फ्रूट के फल और पौधों की बिक्री से अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इसके फल पर रोगों का प्रकोप भी काफी कम होता है। ऐसे में ड्रैगन फ्रूट की खेती किसानों को समृद्ध बना सकती है। बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का एक अच्छा माध्यम बन रहा है। 4 से 5 साल पुरानी ड्रैगन फ्रूट की फसल से 30 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक कमा सकते हैं। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे इसके व्यापार के बारे में और साथ ही जानेंगे कि हल्दी की खेती से कैसे हमारे किसान ज्यादा लाभ ले सकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पर लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। दादू, नेक्स्ट टाइम योर पिंक ड्रेस। यू आर द लिमिट। लिमिट तो सेट है, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। सफल किसान में आइए अब आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से संबंध रखने वाले मनोज कुशवाहा के बारे में, जो कि हल्दी की खेती कर रहे हैं। हल्दी, जी हाँ, एक ऐसी फसल है, एक ऐसा मसाला है जो कि विश्व प्रसिद्ध है और ख़ास तौर पर हमारे देश की हल्दी पूरी दुनिया में जानी जाती है। मनोज कुशवाहा भी इस बात को समझते हैं, इसीलिए हल्दी के क्षेत्र में वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, इसकी खेती कर रहे हैं। इसके लिए वो एक FPO से भी जुड़े हुए हैं। उन्हें इससे कैसे लाभ हो रहा है, आइए जानते हैं। हल्दी की खेती को बढ़ावा देने वाले मनोज कुशवाहा ने दुधही फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का गठन किया है, जिसमें 500 से ज्यादा किसान शेयर धारक हैं। इस FPO से जुड़े किसान हल्दी की ही खेती पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इनको गन्ने आदि की खेती से अधिक मुनाफा हल्दी की खेती से हो रहा है। मनोज ने हल्दी की खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 गांव पिपरा में हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट भी लगा रखा है। मेरे FPO में किसान लगभग 500 से ज्यादा किसान शेयर धारक हैं और मैं खासकर FPO में किसान जो हमारे मेंबर हैं वो कृषि एग्रीकल्चर पे ही काम करते हैं। फिलहाल हमारा जो FPO है किसानों को हल्दी पे ज़्यादा फोकस कर रही है और किसानों को हल्दी ही लगवा रही है। किसान को गन्ने और अन्य खेती की फसल से हल्दी में ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। किसान अभी हम लोग जो FPO है अभी बांसगांव टोला पिपरा में हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट लगा है, तो जो हमारे FPO के जो किसान जुड़े हैं वो हल्दी सीधे खेत से लेकर के हमारे FPO के माध्यम से डायरेक्ट फैक्ट्री में ला रहे हैं और किसान को हमारे FPO के खाते से डायरेक्ट किसानों के खाते में पेमेंट डायरेक्ट दिया जा रहा है, जिससे किसान काफ़ी संतुष्ट हैं। और पिछली बार जो किसान गन्ना खेत में लगाते थे, गन्ने की अच्छी उपज और अच्छा रेट न मिलने के कारण किसान इस बार हल्दी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इस बार लगभग हमारे यहाँ हल्दी किसान उत्पादक काफी से काफी संख्या में लगाएंगे। मनोज के हल्दी प्रोसेसिंग यूनिट से FPO से जुड़े किसानों के अलावा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं भी काम कर रही हैं। ये हल्दी की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करके हल्दी को बाजार में उतार रही हैं, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। अभी हम लोग जो प्लांट हल्दी का जो लगा है इसमें FPO और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ हल्दी प्रोसेस से लेकर के पैकेजिंग तक हम लोग कर रहे हैं
और उसको सीधे मार्केट में उतार रहे हैं और सीधे हमारे जो एफपीओ से जुड़े जो किसान हैं उनके घर उनके गांव में छोटे छोटे दुकानें करके हम लोग किसानों को दे रहे हैं और किसान को हम लोग गाँव में ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। हमारे यहाँ ऑर्गेनिक हल्दी मिल रही है, किसान इससे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं और जो अन्य मार्केट में जो हल्दी मिलती है उसमें कई तरह का मिलावटी होता है, हमारे यहाँ एकदम शुद्ध हल्दी किसानों को यहाँ से सीधे फैक्ट्री से लेकर के किसान को पैकेजिंग करके दिया जा रहा है। हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट लगने से आसपास के किसान अब हल्दी की खेती कर रहे हैं। एफपीओ से जुड़े किसानों को हल्दी के यूनिट लगने के बाद सीधे खाते में पैसा मिल रहा है और वे हल्दी की खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे यहाँ पहले गन्ने की खेती होती थी जिसमें अच्छा लाभ नहीं होता था, चूँकि हमारे यहाँ हल्दी प्रसंस्करण लगा है जिसे अच्छा अच्छा क्वालिटी का हल्दी आ रहा है जिसे हमको फ़ायदा हो रहा है और जो हमसे कंपनी से जो जुड़े हैं डायरेक्ट पैसा हमारे खाते में आ रहा है। पहले हमें गन्ना बोते थे पर गन्ने में कुछ प्रॉफिट ना होने के कारण हल्दी बो रहे हैं। हल्दी हमारे खैरवा घाट के पास फैक्ट्री लगा हुआ है, वहीं जा रहे हैं, हल्दी दे रहे हैं। हल्दी यानी टर्मरिक भारतीय वनस्पति है। ये अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है जिसमें जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की उत्पत्ति भारत में मानी जाती है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथ अथर्ववेद में हल्दी को शुद्धिकरण और स्वास्थ्य के लिए उपयोगी माना जाता है। अमेरिकी शोध संस्थान द मैककॉर्मिक साइंस इंस्टीट्यूट का कहना है कि भारत में हल्दी का उपयोग 4000 साल पहले वैदिक संस्कृति से हो रहा है। विशेष बात यह है कि 20वीं शताब्दी तक पश्चिमी दुनिया हल्दी के उपयोग और गुणों से अनजान थी, लेकिन अब तो पश्चिमी देशों में भी हल्दी की लोकप्रियता बढ़ गई है। कोरोना काल में हल्दी का बहुतायत लोगों द्वारा प्रयोग किया गया। हल्दी की कम होती खेती को देखकर भारत के कृषि एवं उद्यानिकी संस्थान हल्दी की खेती को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में किसानों के लिए हल्दी की खेती उनकी आय बढ़ाने में उपयोगी हो सकती है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपको बताएंगे कि सफलता की राह में आगे बढ़ने में कैसे हमारे किसानों की मदद कर रहे हैं कृषि अधिकारी और वैज्ञानिक। जानेंगे छोटे से ब्रेक के बाद, देखते रहें सफल किसान। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन के साथ पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। हमारे किसान सफलता की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए उनका मार्गदर्शन होना भी बहुत जरूरी है, जिसमें कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि वैज्ञानिक उनकी मदद कर रहे हैं। आइए जानते हैं कुशीनगर क्षेत्र में हल्दी की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभाग की तरफ से किस तरह के प्रयास सामने आ रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया भर में फल एवं मसालों की आपूर्ति सुनिश्चित करके प्रमुख कृषि प्रधान देश की इमेज बनाई है और यह संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे कृषि अधिकारियों की ओर से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। कुशीनगर में हल्दी सहित दूसरी उद्यान की फसलों का उत्पादन बढ़ाने में कृषि अधिकारियों का प्रयास किसानों का हौसला बढ़ाने में कामयाब रहा है। इस बारे में विभाग की ओर से मिलने वाला सहयोग हल्दी की खेती से हल्दी का उत्पादन बढ़ाने में मददगार बन रहा है, इस बारे में बता रहे हैं जिला उद्यान अधिकारी कृष्ण कुमार।
में है, जिसके अंतर्गत ये पिपरा टोला जगह है, जहाँ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन योजना अंतर्गत हल्दी प्रोसेसिंग प्लांट या हल्दी प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना की गई है। यहाँ पर हम बता दें कि जनपद में लगभग 800 हेक्टेयर में हल्दी की खेती होती है, जिससे लगभग 2300 मीट्रिक टन का उत्पादन होता है। पहले ये एरिया पूरा दुधही का हल्दी का काफ़ी एक बेल्ट था प्रोडक्शन के लिए, लेकिन किसानों को उचित दाम और मार्केट ना मिलने की वजह से और बिक्री में समस्या होने के कारण उन्होंने हल्दी की खेती को छोड़ दिया, और जिसकी वजह से हल्दी के जगह पर गन्ना या अन्य फसलें उसका ले ली। लेकिन इस प्लांट के स्थापना के द्वारा हम देख रहे हैं कि जो भी किसान पहले हल्दी की खेती करते थे, इस साल इसके फंक्शनल हो जाने से वे आगामी सीजन में हल्दी की खेती की तैयारी कर रहे हैं। कृषि के मामले में किसानों की बेहतरी के लिए कृषि विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र और उद्यान विभाग कुशीनगर में हल्दी उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। कुशीनगर के दुमकी ब्लॉक में हल्दी उत्पादन को बढ़ाने के लिए FPO के माध्यम से प्रोसेसिंग यूनिट भी लग गई है, जिससे किसानों को फायदा हो रहा है। आइए इस बारे में जानते हैं सरगठिया में कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी डॉक्टर शमशेर सिंह जी से। आज हम दुधही ब्लॉक में हैं, जहां पर कि हल्दी का प्रोसेसिंग यूनिट बनाया गया है, एस्टेब्लिश किया गया है। एक समय था कि यहां पर हल्दी की बहुतायत खेती हुआ करती थी, क्योंकि उस समय अच्छी मार्केट, अच्छी इनकम न होने की वजह से किसान अन्य फसलों पर डाइवर्ट हो गए। लेकिन आज वर्तमान में यहाँ पर हल्दी की प्रोसेसिंग यूनिट लग चुकी है, और जो हल्दी की उन्नत तकनीकी है वो भी नहीं आ चुकी है। कृषि विज्ञान केंद्र सेवर ही, सरगटिया सेवर ही किसानों को नई नई तकनीकियों की जानकारी देगी। हल्दी की जैसे मेघा टर्मरिक नई वैरायटी है, लगभग इसका 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सीड रेट है और लगभग 250 से 300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उत्पादन इसका है। हल्दी की मांग देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने अपने प्रयासों से इसकी मेगा टर्मरिक सहित विभिन्न किस्मों को विकसित किया है। गन्ने के अलावा दूसरी फसलों का उत्पादन कर रहे किसान भी अब हल्दी की खेती कर रहे हैं। कई राज्यों में किसान कृषि विभाग की सहायता से हल्दी की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि हल्दी के स्वास्थ्य वर्धक गुणों के कारण पूरी दुनिया में इसकी मांग में बढ़ोतरी हो रही है। हल्दी प्रोडक्ट्स के निर्यात में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसानों को भी फायदा हो रहा है। अगर आप भी हल्दी की खेती कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर करना चाहते हैं, तो आप भी हल्दी की खेती को अपनाएं और स्वयं को मजबूत करते हुए देश को भी मजबूत बनाएं। ये था हमारा आज का सफल किसान, जिसमें हमने आपकी मुलाकात करवाई लालजी कुशवाहा और मनोज कुशवाहा से, जो कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सफल किसान हैं। इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती और हल्दी की खेती के क्षेत्र में अपना नाम कमाया है, सफलता हासिल की है। आशा करते हैं उनकी सफलता की कहानी देखकर आप ही ज़रूर प्रेरित हुए होंगे। अगर आप चाहते हैं किसी किसान की कहानी अपने कार्यक्रम में शामिल करें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं और अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम की गुणवत्ता को और बेहतर करने में मदद करते हैं। सफल किसान के नए अंक में सफलता की कुछ और गाथाओं के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।